आज 36 बिरादरी के लोग चुगरदे आज जिस प्रकार से पसीना बहा करके ये कह रहे हैं कि 100% किसान का बेटा, कर्मचारी का बेटा, आम परिवार का ये नौजवान, थारे बीच का ये बेटा जो चुनाव लड़ रहा है, इस बेटे पर कोई दाग नहीं है, कोई बात नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो किसान का, गन्ने का किसान का निशान आज तुम्हारे सामने है, गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह भी, मैं तो परवरदिगार हमारे भगवान का, मैं दादा खेड़े का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो चुनाव निशान भी आपका प्रतीक मिला है। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कमेरा हो, खेती से जुड़ा सभी व्यक्ति है। जो सुरेश भाई की फास्ट फूड की दुकान है, अगर किसान के घर में अनाज ना हो और उस अनाज को बेचा ना जाए तो क्या भाई की दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। अगर खाती भाई कोई फर्नीचर का काम कर रहा है, अगर कोई भाई किसी भी प्रकार के लोहे का काम कर रहा है, किसान के घर में पैसा होता है तो रोटेशन चलती है, रोटेशन से पैसा चलता है। मैं तो आपको इतनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज जब आप लोग ऊपर से नीचे उस मशीन में, जब आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए जब आप देखेंगे तो वो एक मिलेगा कमल का निशान। कमल के निशान पर जब आपकी नजर जाए तो याद कर लेना, 700 किसानों का एक एक का खून उसके ऊपर सना हुआ आपको नजर आएगा। हजारों बेटियों का है, जो है घसीट घसीट कर पीटने वाला काम, वो आपको नजर आएगा। सरपंच भाइयों की बेइज्जती का जो है दाग उसके ऊपर नजर आएगा। मैं कहना चाहता हूँ, उसके नीचे जो हाथ का पंजा मिलेगा, अब हाथ के पंजे की भी बात करें तो हम तो हुआ तो करते लोकदली ही, लेकिन इमकल चले गए थे, और चले भी गए थे तो कांग्रेसी भाई वो तो कोनी जुड़से दी टिकट दे रखी, असली कांग्रेसी तो हम हाँ, जिसने 7000 रुपए तक कांग्रेस को, ब्रह्मचारी जी को जिताने का काम करया, करया कि नहीं करया। और भाई का जगह पसीने पसीने इनका आ रहे हैं तो बता के बात करे हैं, एक आधा और डाल की बात करे हैं। अक भैया तो वह मिट्टन जुताने खातर खड़े हुए हैं, क्या था भाई? मिट्टा मेरी बुआ का बालक सके भाई, मिट्टे की वोट कौन सी है? मैं मिट्टे की वोट थी। ये तो हम सभी साथी, हम तो आज एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर जो साथी आज ये कह रहा है तो उसको जवाब है मेरा ये,
आज धरती का सीना चीर करके जैसे पसीना बहा करके किसान अपनी फसल पैदा करता है, या फसल किसी और के नहीं है, या फसल मारी है और या फसल कोई और काट नहीं सकता भाई, अगर थारी मर्जी है। गन्ने के चुनाव निशान पर किसान के बेटे के ऊपर आपका विश्वास भरोसा अगर है तो बताना चाहता हूं, आज आपके आशीर्वाद से विधानसभा अगर मैं गया तो फिर सबसे पहला काम ये करेगा आपका बेटा, जो तनख्वाह आज नौजवानों विधायक को मिलती है उस तनख्वाह का एक रुपया भी प्रदीप गिल अपने घर पे, अपनी रसोई पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, अपने किसी भी काम के लिए खर्च नहीं करेगा। उस पैसे का खर्च करेंगे उन बेटियों के लिए जो किसी न किसी कारण से अपने पिता के पास पैसा ना होने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। आपके बेटे का यह आपसे वादा है यहाँ खड़ा होकर के कि उन बच्चों की पढ़ाई पर वो एक एक पैसा लगाने का काम करूंगा। मेरी तनख्वाह का पैसा मेरी बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के लिए, जिनका कई बार कोई उठवाड़ा नहीं रहता या बच्चा कोई शराब के नशे में माँ का या बाप का इलाज नहीं करवा पाता, तो एक एक पैसा मेरा वो तनख्वाह का बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के लिए समर्पित रहेगा, उस पर लगाने का काम ये भाई और बेटा करेगा। अब भाई प्रदीप गिल जी को समस्त ग्राम रत्नवाड़ा की तरफ से हमारे हरियाणा की आन बान शान ग्राम्य पंचायत का लेकर मान सम्मान किया जा रहा है, तो सभी भाई ग्राम पंचायत रत्नवाड़ा का बार बार धन्यवाद करते हैं। हरियाणा की आन बान शान हुक्का हमारा भाईचारे का ताने बाने का हुक्का का मान सम्मान दिया जा रहा है भाई प्रदीप गिल जी को। भाई प्रदीप गिल आगे बढ़ो।